Hey, hi everyone, this is Mayank Gautaria, and in this question we are going to deal with lots of concepts from the portfolio management chapter. Like, we are going to discuss and calculate covariance, beta, portfolio risk, portfolio return, Sharpe ratio, Trainer ratio, Jensen's alpha, सिंगल इंडेक्स मॉडल की थ्योरी वाला भी यूज करने वाले हैं. सो एक बेसिकली अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये एक कॉम्बो क्वेश्चन है. सो अगर आप एग्जाम के पहले इस क्वेश्चन को रिवाइज कर ले तो बहुत कुछ, लाइक 20-25-30% ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप एक ही क्वेश्चन में कवर कर सकते हैं. सो मार्क इट एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस दिस. मिस्टर अभिषेक इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग 2 लाख रुपीज फॉर विच ही इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग. मिस्टर अभिषेक को इन्वेस्टमेंट करना है और उसके लिए उन्होंने ये 3 अल्टरनेटिव सिचुएशंस ढूंढी है. पहली, इन्वेस्ट ₹2 लाख इन म्यूचुअल फंड. 2 लाख रुपए उनके पास में है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना म्यूचुअल फंड एक्स में, एमएफएक्स में हम इन्वेस्टमेंट करें 2 लाख का, एक अल्टरनेटिव. या तो म्यूचुअल फंड वाई में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, दूसरा अल्टरनेटिव. तीसरा अल्टरनेटिव है कि दोनों में थोड़ा थोड़ा करो, या तो एक्स में 2 लाख डाल दो या तो वाई में 2 लाख डाल दो. तीसरा अल्टरनेटिव है 1,20,000 एक्स में डाल दो और 80,000 वाई में डाल दो, थोड़ा थोड़ा. तो पोर्टफोलियो बना लिया तीसरे केस में आपने, ठीक है, कोई बात नहीं. आगे, एवरेज एनुअल रिटर्न अर्न बाय म्यूचुअल फंड एक्स एंड वाई. एक्स और वाई दो ही म्यूचुअल फंड है पूरे क्वेश्चन में. तीसरा तो इन दोनों से बनाया हुआ पोर्टफोलियो है. सो एक्स का रिटर्न है 15% और वाई का रिटर्न है 14%. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% और मार्केट का रिटर्न 12%. ये सीएपीएफ में यूज होते हैं. अच्छा, कोवेरियंस ऑफ रिटर्न, ध्यान देंगे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है. कोवेरियंस ऑफ रिटर्न्स ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स वाई एंड मार्केट पोर्टफोलियो मिक्स आर एज फॉलोस. मार्केट का, एक्स का और वाई का, इन तीनों का आपको कोवेरियंस दिया हुआ है. सो अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड एक्स का एक्स के साथ में वेरियंस है 4.8, एक्स का वाई के साथ में दिया हुआ है और एक्स का मिक्स के साथ में. मिक्स यानी कि मार्केट, एक्स का मार्केट के साथ. तो एक म्यूचुअल फंड का 3 चीजों के साथ में कोवेरियंस आपको दिया हुआ है, एक तो खुद के साथ, मार्केट के साथ और दूसरी सिक्योरिटी यानी वाई के साथ. वैसे ही वाई का भी दिया हुआ है वाई के साथ, एक्स के साथ और मार्केट के साथ. और मार्केट का भी दिया हुआ है खुद के साथ, मार्केट वेरियंस बोलेंगे आप उसको, एक्स के साथ और वाई के साथ. तो ये 3 चीजें घूम रही है आपके यहाँ पे, मार्केट, म्यूचुअल फंड एक्स, म्यूचुअल फंड वाई. ऊपर में 3 चीजें क्या थी, एक्स म्यूचुअल फंड, वाई म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो, इन दोनों से बनाया गया. आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू, अब आपको क्या कैलकुलेट करने पूछा है इस क्वेश्चन में. पहली चीज, वेरियंस ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड एक्स, म्यूचुअल फंड वाई एंड मार्केट रिटर्न. आपको तीनों का वेरियंस पूछा है, मार्केट का, एक्स का और वाई का. अब अगर मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताना चाहूं तो एक्स का एक्स के साथ में जो कोवेरियंस होता है दैट इज नथिंग बट द वेरियंस जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. या अब दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला वाला आंसर वेरियंस, जिसको हम डिनोट करते हैं स्टैंड सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है. सो सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी म्यूचुअल फंड एक्स, ये और कुछ नहीं कोवेरियंस ऑफ एक्स है, यानी कि 4.8, यानी एक्स का एक्स के साथ में जो वेरियंस दिया हुआ है सिग्मा वाई स्क्वायर, ये वाई का वाई के साथ में यानी कि 4.250, ठीक है. थर्ड, मार्केट का 3.1. ये आपका आंसर खत्म हो गया, ठीक है. अल्टरनेटिव मैं बताता हूं, सिर्फ एक चीज के लिए मैं अल्टरनेटिव बताऊंगा, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है. अब जैसे मैं आपको अगर अल्टरनेटिव बताऊं तो कोरिलेशन वाला फॉर्मूला पता है, आर एक्स एक्स, एक्स का एक्स के साथ में कोरिलेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस एक्स का एक्स के साथ में, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स.
अब अगर x का y के साथ में होता तो कोवेरियंस x का y के साथ में, और नीचे में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. हमको क्योंकि वेरियंस चाहिए x का, तो ये डिनोमिनेटर में ऐसा आना चाहिए. तो दिख रहा है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x करोगे तो आपको एग्जैक्टली वेरियंस मिलेगा. अच्छा, मैं आगे क्वेश्चन की बात जो थी ये देखो, मैं यहां पे निपटाता हूं इसको. आर कोरिलेशन एक्स का एक्स के साथ में हमेशा होता है 1. कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स दिया हुआ है 4.8. डिनोमिनेटर में आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4.8. ये आपका आंसर जो कि मैं ऑलरेडी यहां पे लिख चुका हूं. अब या तो डायरेक्टली क्वेश्चन से उठा लो या तो ऐसे सॉल्व करके दिखा दो. वाई का भी आप ऐसे ही कर लेंगे और मार्केट का भी आप ऐसे ही कर लेंगे. मैं अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करता हूँ, सेकंड वाला पार्ट. अब सेकंड वाला पार्ट आपको बोलता है, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं हम तीनों. पोर्टफोलियो रिटर्न निकालो, बीटा निकालो, पोर्टफोलियो वेरियंस निकालो एंड पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो. ये चारों चीजें हम देखेंगे. उसके बाद थर्ड वाला पार्ट बोलता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क, तीनों चीजें निकालो. चौथी चीज क्या बोलती है, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो और अल्फा निकालो. किसके लिए, एक्स वाई और पोर्टफोलियो. सो ये था पूरा हमारा क्वेश्चन. अब देखो दूसरी चीज थी पोर्टफोलियो रिटर्न. पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकालते हैं सर? पोर्टफोलियो रिटर्न बहुत आसान है, वेटेड एवरेज अपन करते हैं. सो पोर्टफोलियो में जितनी भी सिक्योरिटीज है उनका वेट और जितनी भी सिक्योरिटीज है उनका रिटर्न मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, यानी कि समेशन. सो पोर्टफोलियो रिटर्न आर पी इज इक्वल टू, पोर्टफोलियो में दो ही चीजें हैं, एक्स और उसका रिटर्न, वाई और उसका रिटर्न. अच्छा, एक्स में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 1,20,000. थर्ड वाला पॉइंट देखो ऊपर से, यही पोर्टफोलियो वाली बात चल रही थी. पोर्टफोलियो बनाया कहां, थर्ड वाले पॉइंट में. थर्ड वाले पॉइंट में आपने 1,20,000 इन्वेस्ट किया 2,00,000 में से, जिसका रिटर्न है 15%. प्लस वाई में आपने इन्वेस्टमेंट किया 80,000 2,00,000 में से और उसका रिटर्न है 14%. सही लिखा मैंने, वेट के लिए 1,20,000 2,00,000 में से और 80,000 2,00,000 में से. अब आपका आंसर यहां पे आ जाएगा इसका. पॉइंट 6% पोर्टफोलियो रिटर्न, ये आपका सेकंड आंसर. आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले पार्ट पे. थर्ड वाले इसमें उन्होंने बोला है पोर्टफोलियो रिटर्न. अच्छा सेकंड वाला ही पूरा होना बाकी है ना, अभी तो सेकंड वाले पे चल रहे हैं. बीटा निकालते हैं, बीटा. अच्छा बीटा का फॉर्मूला बताइए. बीटा का अगर आपको कोरिलेशन एनालिसिस वाला फॉर्मूला अगर पता हो तो कोरिलेशन एनालिसिस वाला फॉर्मूला एक बनता है, पोर्टफोलियो ऑफ आई जे डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जे स्क्वायर, वेयर जे इज द मार्केट एंड आई इज दैट सिक्योरिटी. ठीक है, सो अगर हम बीटा निकाले एक्स के लिए तो कोवेरियंस चाहिए एक्स का मार्केट के साथ में, यानी एक्स एम कोवेरियंस चाहिए एक्स का मार्केट के साथ में. तो आप पहली वाली रो में देखिए, कोवेरियंस वाला जो टेबल है उसमें पहली वाली रो में सबसे आखिरी में कॉलम आखिरी का मार्केट का है, रो पहला एक्स का है. तो एक्स का मार्केट के साथ में कोवेरियंस है 3.370 और नीचे में चाहिए आपको वेरियंस मार्केट का, ये रहा 3.1. ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा. ऐसे ही आप बीटा निकालोगे वाई के लिए, वाई का मार्केट के साथ में 2.80 और मार्केट का वेरियंस 3.1 और ऐसे ही आप बीटा निकालोगे पोर्टफोलियो के लिए. अब पोर्टफोलियो के बीटा के लिए पोर्टफोलियो का वेरियंस चाहिए ना मार्केट के साथ में, लेकिन वो पूरे टेबल में पोर्टफोलियो के लिए कोई रो नहीं है. पहली रो है एक्स के लिए, दूसरी रो है वाई के लिए, तीसरी रो है मार्केट की, लेकिन हमने जो पोर्टफोलियो बनाया उसका कोई रो नहीं है तो उसका कोवेरियंस नहीं है, तो वो वाले फॉर्मूले से हम नहीं कर सकते. लेकिन पोर्टफोलियो बीटा निकालने का एक दूसरा तरीका होता है, दैट इज वेटेड एवरेज. तो हम क्या लेंगे कि पोर्टफोलियो में जितनी भी सिक्योरिटी है उनका वेट और पोर्टफोलियो में जितना भी सिक्योरिटी है उनका बीटा और फिर समेशन. सो हमारे पास में आएगा वेट ऑफ एक्स बीटा ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई बीटा ऑफ वाई.
ठीक है, अब पहले इन दो का निकाल लेते हैं, वो आ रहा है 1.087, पॉइंट 903। अच्छा वेट ऑफ एक्स देख लो, 1/1.2 डिवाइडेड बाय 2, यही था वेट, यानी कि 60% वेट है हमारा एक्स का, और बीटा था 1.087 एक्स का, प्लस 40% वेट है वाई का, और उसका बीटा है 0.09, सॉरी 0.903। ये पोर्टफोलियो बीटा आ गया आपका, वेटेड एवरेज। चलो बीटा वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट उसने पूछा है पोर्टफोलियो का वराइंस एंड पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो बहुत ही आसान है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, पोर्टफोलियो वराइंस पूछा है उन्होंने। पोर्टफोलियो का वरायंस यानी पोर्टफोलियो का रिस्क, यानी पहले आपको ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि इस पोर्टफोलियो में कितनी सिक्योरिटी है। सर सिर्फ दो सिक्योरिटी है, तो आपको क्या पता है दो सिक्योरिटी वाला फॉर्मूला कौन सा होता है पोर्टफोलियो का? ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके अंदर की सिक्योरिटीज कौन सी है, एक्स और वाई। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वेट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई वेट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस टू इंटू, ध्यान देंगे, वेट ऑफ एक्स वेट ऑफ वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आर एक्स वाई। अब ये वाला जो पार्ट है ये बदल जाएगा थोड़ा सा, फिर से एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, इतना जो पार्ट मैंने लिखा है ना, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन से लेके आगे तक का, इसी को बोलते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। ये और कुछ नहीं, कोवेरियंस का फॉर्मूला है। आप अगर कोरिलेशन वाले इसमें अगर रख के देखेंगे, ध्यान देंगे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एक्स जो डिनोमिनेटर में, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, आर एक्स एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, यही है आर एक्स एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, तो आ जाएगा क्या, कोवेरियंस जो बचा हुआ था। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वेट ऑफ एक्स, अरे यार हमारे पास तो डायरेक्ट वराइंस दिया हुआ है ना। तो थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं मेरे हिसाब से, तब जाके वो प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे। फिर से एक बार स्टेप मैं बढ़ा रहा हूँ स्टेप, आपको ये सेकंड वाली स्टेप आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए बढ़िया स्टेप, प्रैक्टिकली आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 4.8 इंटू वेट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 0.60 स्क्वायर, वाई स्क्वायर 4.250 इंटू 0.40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.60 इंटू 0.40 इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई यानी कि कोवेरियंस ऑफ द पोर्टफोलियो, नहीं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई मतलब एक्स का वाई के साथ में कोवेरियंस, ये आपको टेबल से मिलेगा। आप ध्यान देंगे अगर टेबल में, तो एक्स का वाई के साथ में आप देखोगे 4.3 आ रहा है म्यूचुअल फंड एक्स और म्यूचुअल फंड वाई वाले कॉलम में, तो ये ध्यान देना। वन पॉइंट सेवन ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्सटी एट टू पॉइंट जीरो सिक्स फोर, फाइनल आंसर आपका यहां पे आ जाएगा।
वेरियंस बहुत कम नहीं आ रहा है क्या? 4.8 N, ठीक है, 4.472, दिस इज पोर्टफोलियो का वेरियंस, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ ले लेता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी इज इक्वल टू वेरियंस का स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ये जो आंसर आया था 4.472, 2.115. सो दिस इज योर फाइनल आंसर, पोर्टफोलियो वेरियंस, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको भी अपन अंडरलाइन कर देते हैं। अब इसके बाद क्या निकालना है, ध्यान दो। इसके बाद उन्होंने पूछा है एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये जो रिटर्न एक्चुअल में जो दिए हुए वो एक्चुअल रिटर्न, जो क्वेश्चन में दिए हुए वो एक्चुअल रिटर्न है, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न बताना है। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न आप कहां से निकालते हो? कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, भूलना नहीं। फॉर्मूला क्या है एक्सपेक्टेड रिटर्न का? आर आई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आई आर एम माइनस आर एफ, यही फॉर्मूला है सीएपीएम का, ठीक है। अब हमको निकालना है आर एक्स आर वाई आर पोर्टफोलियो, तीनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिस्क फ्री रेट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 12, ठीक है। सो 10, बीटा कितना आया था एक्स का? 1.087, 12 माइनस 10, 10 प्लस बीटा इसका 0.903, 12 माइनस 10, पोर्टफोलियो 10 प्लस इसका बीटा कितना? 1.0134, 12 माइनस 10, तीनों आंसर आपके यहां पे आ जाएंगे। ट्वेल्व पॉइंट 174, इलेवन पॉइंट 806, ट्वेल्व पॉइंट 027, दो डिजिट में भी लिख देते तो हो जाता था, तीन डिजिट में लिखने की आज सच को जरूरत नहीं थी। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका आ गया। अब आई होप आपको समझ में आ गया हो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसा है। एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे सीएपीएम से ही निकलेगा। सेकंड उन्होंने पूछा है सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब ध्यान दो, आई थिंक अपन ने दूसरे वाले पार्ट में लिखना चाहिए, ये वाला पार्ट तो काफी जगह है नहीं यहाँ पे आज सच। सो उसके अगले वाला पार्ट भी काफी ज्यादा ये है, ठीक है। आप एक काम करो, मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो ये आंसर्स ताकि अपन आगे बढ़ सके। ये एक आंसर था, ये एक आंसर है आपका, ये तीन आंसर थे, ये तीन आंसर थे, ये भी एक है, और ये तीन आंसर है। नोट डाउन कर लो आंसर्स को, उसके बाद सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते ताकि मैं यहाँ पे जगह बना सकूं। सो अब थर्ड वाले सब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं, जिसमें उन्होंने सिस्टमैटिक रिस्क निकालने बोला है। नाउ सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये सिंगल इंडेक्स मॉडल का पार्ट है। ध्यान दो, टोटल रिस्क उसके अंडर में क्या होता है? टोटल रिस्क इज इक्वल टू अरे यार ये पेन भी खराब है, सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, ठीक है।
और इसका फॉर्मूला है सिंगल इंडेक्स मॉडल के हिसाब से कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई स्क्वायर, आई यानी कि एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है या पोर्टफोलियो हो सकता है। सिस्टमैटिक रिस्क बीटा आई स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम स्क्वायर, एम यानी मार्केट। अनसिस्टमैटिक रिस्क एरर टर्म का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दो, आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई स्क्वायर है, इसको बोलते हैं वरायंस। ये आपने फर्स्ट वाले पार्ट में निकाला था। आप एक काम करो, सिस्टमैटिक रिस्क निकाल लो, आपके पास में ये ऑलरेडी है, सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट कर लो जो कि पूछा गया है, और अनसिस्टमैटिक रिस्क अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। सो मैं सिस्टमैटिक रिस्क निकाल रहा हूं सिर्फ पहले सबका। एक सेकेंड ना बस। सिस्टमैटिक रिस्क निकाल लेते हैं, बीटा आई स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। सो नाउ सिस्टमैटिक रिस्क एक्स के लिए निकालना है, तो एक्स का बीटा देखो कितना है, मैंने लिख के रखा इधर में 1.087 का स्क्वायर, और मार्केट का वरायंस कितना आ रहा था अपना 3.1। ठीक है, वाई के लिए वाई का बीटा 0.903 और 3.1, ये ऑलरेडी वरायंस है, ये स्क्वायर। और पोर्टफोलियो 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 का बीटा 1.013 और ये 3.1। ये जो 3.1 है ये मार्केट का वरायंस है, 3.66, 2.53, 3.18, ये आपका सिस्टमैटिक रिस्क आ गया। अब देखो अनसिस्टमैटिक वाला पार्ट, अनसिस्टमैटिक रिस्क यानी कि टोटल रिस्क लेस सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, फॉर्मूला इज टोटल वरायंस माइनस आपका ये जो बीटा आई स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम स्क्वायर आया। सो टोटल वरायंस एक्स का हमने कितना निकाला था, 4.8। पोर्टफोलियो का वरायंस हमने नहीं निकाला है क्या? हाँ है, निकाला हुआ है 4.8। बीटा आई स्क्वायर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एम स्क्वायर हमारा कितना आया इसका, 3.66। ये हो गया एक्स के लिए, वाई के लिए और पोर्टफोलियो के लिए। वाई का वरायंस था 4.25 माइनस 2.53, और पोर्टफोलियो का वरायंस था आपका 4.472, सही है, और माइनस 3.18। तो ये आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क वाला पार्ट आ जाएगा। तो तीन आंसर सिस्टमैटिक वाले ये, तीन आंसर अनसिस्टमैटिक वाले ये आपके आ गए। दोनों का अगर आप टोटल ऐड करते हो तो वरायंस आता है हर सिक्योरिटी का, जो हम निकाल चुके हैं पहले पार्ट में। चलो सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। शार्प, ट्रेनर और जेनसन अल्फा, बस ये तीन चीजें निकालनी है और हमारा क्वेश्चन खत्म। शार्पेज रेशो, शार्पेज रेशो क्या बोलता है, रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बताता है कि कितना आपको प्रीमियम मिल रहा है ओवर एंड अबव रिस्क फ्री रेट पर यूनिट ऑफ रिस्क के लिए, टोटल रिस्क के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो एक्स का, वाई का और पोर्टफोलियो का, ऐसे तीन चीजें हम निकालना है। ठीक है, आर का रिटर्न आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 15% है आई थिंक, सॉरी आर नहीं, यानी एक्स का रिटर्न आपको दिया हुआ है 15%। सो
15%, रिस्क फ्री रेट 10% और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स चाहिए। अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स नहीं है, लेकिन वरायंस ऑफ एक्स जरूर है। क्या था वरायंस ऑफ एक्स? ये था 4.80। अब आपको अगर उसको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो स्क्वायर रूट डाल दो, यानी कि मैं यहां ऐसा लिख देता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4.8। वैसे यहां पे 14 माइनस 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4.25, और वैसे यहां पे पोर्टफोलियो का रिटर्न हमने निकाला था 14.60 माइनस 10 डिवाइडेड बाय, इसका तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला था 2.115। ध्यान से देखना अपने पिछले वाले कैलकुलेशन में ये कैलकुलेट किया था, तो हमारे पास ये तीनों आंसर आ जाएंगे 2.28। ये आपका शार्प रेशियो। इसके बाद ट्रेनर, ट्रेनर रेशियो भी सेम है, वो है सिर्फ आर आई माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय बीटा से कंपेयर करता है प्रीमियम को। सो एक्स वाई पोर्टफोलियो 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स का बीटा 1.087, 14 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.903, और पोर्टफोलियो का कितना था 14.60 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1.013, 4.43, 4.54, एंड लास्ट इज अल्फा। अल्फा क्या बोलते हैं? एक्चुअल रिटर्न आपका जो भी होगा माइनस सीएपीएम रिटर्न कर दो या एक्सपेक्टेड रिटर्न कर दो, तीनों का, या एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड बोलते हो, एक्चुअल माइनस रिक्वायर्ड बोलते हो, तो एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड इन केस ऑफ दिस इज सीएपीएम रिटर्न। सो एक्स वाई पोर्टफोलियो, एक्स का एक्चुअल रिटर्न इज 15, इसका है 14, इसका था कितना 14.60, सीएपीएम रिटर्न इसका था 12.174, 11. सर आप कहां से लिख रहे हो ये बता दो। सर मैं तो बाजू में लिखा है इससे लिख रहा हूं, ये बाजू में कहां से आया सर ये बता दो। अरे बाजू में कहां से आया? पिछले वाली वर्किंग से आया था, जो अपन ने फाइनल आंसर निकाले थे वो मैंने साइड में लिख लिया था इधर में, ठीक है। परसेंट में होता है ये, वैसे सारे के सारे परसेंट में ही है। 2.194, 2.573। सर मीनिंग भी बता दो, कभी कभी कैलकुलेशन करवा लिया आपने सर पूरा का पूरा, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक्स का मतलब बताता हूं अल्फा में, अल्फा कितना है 2.826। अल्फा पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात है, अल्फा जब पॉजिटिव होता है इसका मतलब आप एक्चुअल में ज्यादा कमा रहे हो एक्सपेक्टेड से, यानी कि आपने 12% एक्सपेक्ट किया था लेकिन कमाया 15%, 11% एक्सपेक्ट किया था लेकिन कमाया 14%, तो अच्छी बात है ना। अल्फा पॉजिटिव होना और ज्यादा होना अच्छी बात है। ट्रेनर रेशियो पे आ जाओ, ट्रेनर रेशियो क्या बोलता है कि एक बीटा उठाने के लिए, मतलब सिस्टमैटिक रिस्क, वन इंडेक्स का सिस्टमैटिक रिस्क यानी मार्केट जितना रिस्क उठाने के लिए आपको 4.60% प्रीमियम मिलेगा अगर आप एक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। मार्केट जितना रिस्क उठाने के लिए 4.43% रिस्क प्रीमियम मिलेगा अगर आप वाई में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4.54% प्रीमियम मिलेगा। रिटर्न नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रीमियम मतलब रिस्क फ्री के ऊपर। सेम चीज स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब 1% का रिस्क उठाने के लिए 2.28% का प्रीमियम मिलेगा एक्स में, 1% का रिस्क उठाने के लिए 1.94% का प्रीमियम मिलेगा वाई में। यह है इन सबके मतलब, समझ में आ रहा है आपको? सो ये है आपके फाइनल आंसर्स। मैं फाइनल आंसर्स को एक बार और अंडरलाइन कर लेता हूं ताकि आपको फाइनली समझ में आ जाए। ये तीनों थे आपके सिस्टमैटिक रिस्क, ये तीनों थे आपके अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये तीनों है आपके शार्प रेशो,
ये आपका ट्रेनर और ये आपके थे अल्फा, जेनसन अल्फा बोलो आप उसको, ये ऐसे डिनोट हो गए. सो दीज आर द फाइनल आंसर्स टू दिस एंटायर क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू रिवाइज. सो मार्क इट, एक क्वेश्चन ये जरूर करना अपने एग्जाम के पहले. सो नोट इट डाउन एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.